Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आखिरकार संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। करीब 11 दिनों तक दोनों देशों में चले खूनी खेले के बाद सीज फायर की घोषणा पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है, क्योंकि इस लड़ाई के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका लगातार तेज होती जा रही थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। दो देशों की जंग में लेबनान के आने और तुर्की, रूस और अमेरिका के प्रत्यक्ष एंट्री की संभावना काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि ये जंग वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण बने मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी है। CBDT ने वित्त वर्ष 2020-21 एक्सेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ा दी है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स अब 30 सितंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। कंपनियां 30 नवंबर तक पिछले वित्त का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। कंपनियों के लिए कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा भी 1 महीने तक बढ़ा दी गई है। अब कंपनियां 15 जुलाई तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर सकेगी। वित्तीय संस्थाओं के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से मौतों के आंकड़े भले ही कुछ बताए, लेकिन उन्नाव जनपद की बीघापुर तहसील में 7000 आबादी के 3 गांव में मौत का तांडव एक दिल दहला देने वाला है। सर्दी जुकाम हुआ, अगले दिन बुखार आया और तीसरे दिन सांस फूलने से मौत हो गई। 1.5 महीने पहले जिले के 3 गांवों में मौतों का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक नहीं थमा है। प्रशासन भले दावा करे कि कोरोना आने के 1.25 साल में सिर्फ 188 लोगों की मौत हुई है, मगर बीघापुर तहसील के टेढ़ा गांव, पूर्वा तहसील के पाटकपुर सेमरी गांव की तबाही इस बात की तस्दीक करते कि आंकड़ों में खेल जरूर है। इन तीनों गांवों में कोरोना की दूसरी लहर में 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन के आंकड़े इस वजह से सही हो जाते क्योंकि किसी की कोरोना जांच नहीं हुई। लखनऊ जलकल विभाग लोगों को पिला रहा सीवर का पानी। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन यहां का जलकल विभाग जनता को सीवर का गंदा बदबूदार पानी नसीब करा रहा है। इस समय जबकि कोरोना से लोगों का बुरा हाल है, लोग वैसे ही बीमारी को झेल रहे हैं, लेकिन यहां का प्रशासन लोगों को और भी ज्यादा परेशानी में डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। मात्र 2 दिनों की बारिश में सड़कें लबालब भर गई। नगर निगम के सफाई के सारे दावे हवा में तैरते नजर आए और आज घरों में पीने के पानी के साथ सीवर का पानी सप्लाई हुआ, जो पीना तो दूर की बात है, छूना भी मुश्किल है। अब आखिर नगर निगम सफाई और जल निगम पानी का काम भी नहीं कर सकती, तो फिर जनता पर टैक्स का भार क्यों लादा जाता है? क्या जनता के टैक्स का पैसा सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों की जेबें भरने के लिए है? जब जल निगम जनता को शुद्ध तो बहुत दूर की बात है और पानी तक नहीं दे सकता, तो जनता पर टैक्स लेने के लिए क्यों दबाव डाला जाए? किस बात का टैक्स लेता है नगर निगम और जल निगम? यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है और कोई अधिकार नहीं है जनता से टैक्स वसूलने का। यह चित्र है अलीगंज लखनऊ में आज हुए पानी की सप्लाई का। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका को देखते हुए इनके लिए टीका विकसित करने में कई कंपनियां जुटी हैं। इसी बीच बेलगावी के जीवन रेखा अस्पताल ने जार्ड्स कैडिला के स्वदेशी कोरोना टीके जायकोव टीका क्लिनिकल ट्रायल 20 बच्चों पर किया है। पूरा देश इस वक्त वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। कई राज्यों में तो टीकों की कमी के कारण टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ा है। मुंबई, दिल्ली, कर्नाटका, उड़ीसा समेत कई राज्यों में टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। 2 महीने पहले जिस रफ्तार से टीकाकरण अभियान चल रहा था वह सुस्त पड़ा हुआ है। पिछले 7 दिनों में इसमें जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। 14 मार्च के बाद से देश में वैक्सीनेशन की भारी कमी हुई है। औसतन हर रोज 13.42 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल 11.66 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन का टारगेट पूरा करना मुश्किल। वैक्सीन की कमी के कारण संक्रमण की अगली लहर के बारे में चिंता बढ़ गई है।
यूपी के जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा कि निजी अस्पतालों को नैतिकतापूर्ण आचरण के लिए बाध्य किया जाए। विधायक ने लिखा कि यह वक्त है जब निजी अस्पतालों को उनके कर्तव्यों का बोध कराया जाए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,59,591 नए मामले के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,60,31,991 हुई, लेकिन 4,209 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 2,91,331 हो गई है। 3,57,295 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,27,12,735 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 30,27,925 है। ब्लैक फंगस म्यूकोमिकोसिस का इलाज करने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। 3 दिनों के भीतर मौजूदा 6 फार्मा कंपनियों के अलावा 5 और फार्मा कंपनियों को भारत में उसके उत्पादन के लिए नई दवा की मंजूरी मिल गई है। मौजूदा फार्मा कंपनियों ने पहले ही उत्पादन में तेजी लाना शुरू कर दिया है। भारतीय कंपनियों ने भी एम्फोटेरिसिन बी की दवा की 6,00,000 शीशियों को आयात करने के लिए ऑर्डर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में आज भी हल्की से तेज बारिश होने की उम्मीद है। लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 दिन बाद पहली बार 400 के नीचे आई है। कल 353 लोग संक्रमित हुए जबकि 21 मरीजों की मौत हो गई। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 2,337 मौत हुई हैं। कल 904 लोगों को स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने वालों में 90% मरीज होम आइसोलेशन के हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार संक्रमितों की संख्या से अधिक बने रहने के चलते अब केवल 7,363 संक्रमित रह गए हैं। 4 हफ्ते पहले तक इससे 7 गुना अधिक संक्रमित थे। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में स्टेरॉइड का अधिक इस्तेमाल ब्लैक फंगस के मामलों में इजाफे की वजह बना है। कुछ मामलों में संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए आंख और ऊपरी जबड़ा सर्जन को हटाना पड़ता है। COVID-19 से उभर चुके या उभर रहे लोगों में ब्लैक फंगस कई राज्यों में पांव पसार चुका है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है। गाजियाबाद, झांसी, मथुरा और लखनऊ में कई मरीज मिले हैं। गाजियाबाद में ब्लैक फंगस के शिकार हुए एक मरीज ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लखनऊ में बीते 24 घंटे में 6 मरीजों की जान चली गई। पूर्व PM राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर दिल्ली में वीरभूमि पहुंचकर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज एक कार और तेल टैंकर के भिड़ंत होने से कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में माँ, बेटा और ममेरी बहन बिजनौर के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के दागी अधिकारी दविंदर सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक आतंकवादी मामले के में गिरफ्तार किया था और बाद में आरोप पत्र दायर किया था। इस पुलिस उपाधीक्षक को बर्खास्त करने का आदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया। पिछले साल प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को कश्मीर से जम्मू ले जाते हुए पकड़े जाने के बाद इसके खिलाफ NIA ने जांच की थी। पंजाब के मोगा में कल रात करीब 1 बजे एक फाइटर जेट MiG-21 Bison लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। राजस्थान के सूरत से MiG-21 ने उड़ान भरी थी। हादसे में पायलट अभिनव की मौत हो गई। सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।